हाँ तो स्वागत है आपका आज के इस ऑडियो लेक्चर में। मैं सुरेश कुमार और आप मेरे साथ आज इस ऑडियो लेक्चर में सुनेंगे। उत्तराखंड का एक प्रमुख टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। उत्तराखंड के इस टॉपिक का नाम है प्रमुख सैन्य कर्मी। प्रमुख सैन्य कर्मी, इससे पहले हमने जो है उत्तराखंड शौर्य परंपरा, खेल पुरस्कार आदि से संबंधित कुछ मेन बातें हमने पढ़ी। इसमें हमने कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट की बात करी, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट में दो प्रमुख नाम आते हैं। 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, करगिल युद्ध के समय, अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ तो मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर शहर और वहां के हवाई अड्डे को बचाया था और अपने आप वो शहीद हो गए थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। इसलिए उन्हें प्रथम प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। याद रखें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया? फिर दूसरा शैतान सिंह को दिया गया, मेजर शैतान सिंह को 1962 में, ठीक है। वैसे ही हम फिर गढ़वाल रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो यहां हम पढ़ते हैं, पहले हम किस किसका नाम पढ़ते हैं? दरवान सिंह नेगी। दरवान सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, उस समय दरवान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस क्या था तब? उस समय 1914 की अगर हम बात कर रहे हैं, 1914 से 18 की अगर हम बात करें तो उस समय सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। अब कौन सा है? परमवीर चक्र। तो पहले तो विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया? दरबान सिंह नेगी को, उसके बाद फिर गब्बर सिंह नेगी को दिया गया, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस का नाम आप याद रखेंगे, है ना। फिर हमने फिर पेशावर कांड की बात करी कि पेशावर कांड जो है 23 अप्रैल 1930 को, और पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है प्रमुख सैन्य कर्मी, और प्रमुख सैन्य कर्मी में हमने माधव सिंह भंडारी को लिया कि भाई माधव सिंह भंडारी कौन थे, ठीक है। मैंने आपसे लिखवाया कि 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपति शाह, आपने महीपति शाह का नाम सुना है? महीपति शाह का नाम तो सुना ही आपने। गढ़वाल के जो कौन से वंश के राजा थे? पवार वंश के राजा थे महीपति शाह गढ़वाल जी। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, और इन्हें इतिहास में किसके नाम से, किसके नाम से बोलिए? गर्वभंजक। क्यों? उनकी बहादुरी, त्याग और उदारता, ठीक है। उन बहादुर बहुत थे, त्याग बहुत किया और उदार उदार भी बहुत ज्यादा थे, तो इतिहास में इन्हें गर्वभंजक के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। हालांकि एक रिकॉर्ड और भी उनके नाम पे कि 1635 में तिब्बत की सेना से युद्ध युद्ध हुआ, ठीक है। उन्होंने कई युद्धों में विजय विजय प्राप्त की, जिसमें से 1635 का एक तिब्बत का युद्ध है, ये भी इनके नाम में सफलता जाती है या फिर ये रिकॉर्ड इनके नाम में है। और टिहरी गढ़वाल जनपद की मैं आपको बता रहा था, मलेथा की गुल मैंने आपको अभी बताया कि टिहरी गढ़वाल जनपद के मलेथा गांव में एक पहाड़ी के अंदर एक नहर बनाकर इन्होंने उस क्षेत्र की भूमि को उपजाऊ और लाभदायक बनाया था। ये प्रमुख बात किससे संबंधित है? माधव सिंह भंडारी। आप जानते हैं ना माधव सिंह भंडारी को, गर्वभंजक याद रखना, गर्वभंजक। और किसके सेनापति थे? महीपति शाह। महीपति शाह के सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, इन्हें गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता। अगली हेडिंग में आ जाएंगे, हेडिंग दूसरी हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, क्या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आप बता सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के नायक बने बाद में, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वीर चंद्र सिंह, वेरी गुड, पौड़ी में। पौड़ी में, पौड़ी इसका सही आंसर है भाई, है पौड़ी में ही इनका जन्म हुआ था। लिखिए, इनका जन्म 1891 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 1891 इनका जन्म 1891 को पौड़ी गढ़वाल, अगर आप नाम गांव का नाम भी अगर आप सुनना चाहें तो मासो गांव में, मासो गांव पौड़ी गढ़वाल के मासो गांव में इनका जन्म हुआ था। ऐसे करके मासो गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका?
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मासो गांव में, डबल मात्रा सौ में आपको लगानी होगी। पौड़ी गढ़वाल के मासो गांव में इनका जन्म 1891 में हुआ था, और ये ब्रिटिश सेना के, लिखिए ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये ब्रिटिश सेना के गढ़वाल राइफल्स में थे, ब्रिटिश सेना के गढ़वाल राइफल्स में थे ये। मैंने गढ़वाल राइफल्स की आपकी बात करी, मैंने आपको बताया था गढ़वाल राइफल्स के बारे में कि भाई ये जो हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, ये ब्रिटिश सेना के कौन सी राइफल्स में थे? गढ़वाल राइफल्स। मैंने आपको बताया था कि 1945 में इसका नाम था गढ़वाल रॉयल राइफल्स, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया है? गढ़वाल राइफल्स हो गया। तो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती थे कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। हाँ जी, लिखिए 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनकी हम आपसे बात भी कर रहे थे, कौन है किश्मिता ये खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन थे, इनको क्या दिया गया था, मतलब क्या, कौन सा सम्मान, कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था?